हेलो फ्रेंड, ये आप लोगों का पार्टनरशिप का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करती है, और पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने बताया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं प्रिपेयर किया गया है, या फिर पार्टनरशिप डीड में इन सारे चीज़ों के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। उसमें मैंने सबसे लास्ट में आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, कि अगर पार्टनरशिप फर्म जो है उसके पास में पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से पे करवाना पड़ेगा। अगर कुछ और रेट स्पेसिफाई किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तब तो उस रेट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया है कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तब भी 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। अगर कुछ और रेट स्पेसिफाई है तब तो वो रेट देना है हम लोग को, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर के चलता हूं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म इन पार्टनरशिप, दे आर चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। देखिए, वर्ड चार्ज का मीनिंग क्या होता है। चार्ज जो है वो हम लोग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, तो जब भी चार्ज वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में दिखाना है। चार्ज चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको अगर कोई वर्ड के साथ में अगर आपको लिखा हुआ है कि सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में दिखाना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो दिखाने के बाद में आपके फर्म का जो है वो प्रॉफिट नहीं आ करके लॉस आ जा रहा है, तब भी हम लोगों को इसको स्पेसिफाई किया हुआ है चार्ज है तो हम लोगों को शो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में आता है आप लोगों का सेकेंड वर्ड, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन कैन बी डन फॉर दोज आइटम विच रिलेट्स टू पार्टनर्स। जो पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनका अप्रोप्रिएशन किया जाता है। तो अप्रोप्रिएशन कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पज ये रहता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन किया जाए इन फॉर्म ऑफ देयर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर उनसे लेना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या फिर उनका जो प्रॉफिट है वो सारी चीजें जो है उनका अप्रोप्रिएशन किया जाए। उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अप्रोप्रिएशन कैन बी डन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन कैन बी डन। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं कर पाओगे। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं उन सबको हम लोग अप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन। देयर आर टू एक्सेप्शन टू इट, दे आर इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलता है इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसको जो है हम लोगों को प्रोवाइड करना है इवन इफ देयर इज लॉस। और ये कहाँ पे चार्ज किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ देखिए मैंने लिख के रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज, हेंस इट इज टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आइटम होता है रेंट टू पार्टनर। पार्टनर को जो रेंट मिलता है ही गेट दिस रेंट एज अ लैंडलॉर्ड नॉट एज अ पार्टनर। उसको पार्टनर के फॉर्म में जो है वो रेंट नहीं मिलता है, सिंस ही इज अ पार्टनर इसलिए उसको रेंट नहीं मिल रहा है। सिंस ही इज अ लैंडलॉर्ड ही हैज प्रोवाइडेड अ लैंड और ही हैज प्रोवाइडेड अ फैक्ट्री प्रमाइसेस और एनी अदर ऑफिस टू द पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर दैट ही विल गेट रेंट। ये रेंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में दिखाएंगे। सो दे आर दी ओनली टू एक्सेप्शन जिसको हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, इवन इफ ये पार्टनर से रिलेटेड है पर फिर भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में आएंगे। अब आगे की तरफ में चलते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, वो इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाता है और जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट होता है उसको कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, और अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। हम लोग इलस्ट्रेशन वन लेते हैं। इलस्ट्रेशन वन के अंदर में फर्म को जो है वो नेट प्रॉफिट हुआ है ₹1 लाख का। ए ने जो है वो कैपिटल प्रोवाइड किया है 2 लाख की, बी ने 1 लाख की, और लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ, दैट मीन्स उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 2,500 इंटू 12।
और उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने बोला जा रहा है, तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जो भी फर्म का नेम होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसके अंदर में हम लोग को जो गिवन नेट प्रॉफिट था 1 लाख का, उसको हम लोग सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके 1 लाख लिखेंगे। ये नेट प्रॉफिट जो है वो आया कहाँ से होगा? आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस से ये निकल के आया होगा, पर हम लोग को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है। ये नेट प्रॉफिट हम लोग को सम के अंदर में दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? ए को कितना मिलेगा? 2 लाख का 10%। बी को कितना मिलेगा? 1 लाख का 10%। ये इनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, 20,000, 10,000, कितना हो गया? 30,000। फिर उसके बाद में सैलरी, किस पार्टनर को सैलरी मिलने की थी? ए को। ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ, तो वो सैलरी भी ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। 2,500 × 12, दैट इज ₹30,000। फिर जो प्रॉफिट बच गया है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1 लाख -30,000 -30,000 बचा कितना? 40,000। ये 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टनर्स के बीच में 3:1 के रेशियो में, आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब ये 40,000 बचा, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये टोटल हम लोगों ने शो कर दिया। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आगे के इलस्ट्रेशन में हम लोग लॉस के बारे में सीखेंगे।